में खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफाक है, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संगठन का संयोजक हूँ। जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन रखा गया है, आखिर ये किन मांगों पे रखा गया और क्यों रखा गया? नाम बदलने पे रखा गया है, नाम बदलने पे रखा गया है। आप क्या नाम बदलने पे रखा गया है? जैसे कि यहाँ आपका लखनपुर, लक्ष्मणपुर, ये सब नाम रखे जा रहे हैं। एक नाम से सहमत नहीं है सरकार, वो नाम बदल रही है। जब से सरकार आई है सिर्फ नाम बदल रही है। बेरोजगारी, जुर्म, जाति, भ्रष्टाचार, इस पे तो कोई बात ही नहीं होती है। नाम बदलते हैं, हिंदू मुसलमान पे बात होती है, सिर्फ धर्म पे बात होती है। धर्म को धंधा बनाने वाली सरकार चल रही है, कोई काम नहीं हो रहा है। मंदिर मस्जिद पे बात चलती है, नौजवान बेरोजगार पे कोई बात चलेगी? आज नौजवान बेरोजगार है, बहुत ज़्यादा परेशान है, उस पर कोई बात नहीं होगी। महंगाई चरम सीमा पर है। आज सरकार 2014 में सिलेंडर 450 का मिलता था, 1100 पे, उस पर बात नहीं होगी। नहीं तो देखा गया इससे पहले भी महंगाई बढ़ी है। महंगाई तो खाली इसी गवर्नमेंट में थोड़ी बढ़ी है, और भी पहले बढ़ती थी। अरे महंगाई बढ़ी थी, इतनी थोड़ी ना बढ़ती। आज 1100 का सिलेंडर है, आपको बता दूं 68 रुपये में पेट्रोल मिलता था, 68 रुपये में। पूरा हिंदुस्तान सड़कों पे था कि बहुत महंगा पेट्रोल है, आज 100 रुपये में है, इस पर कोई बात नहीं होगी। शिक्षा महंगी हो रही है, इस पर कोई बात नहीं होगी। नाम बदलने की बात होगी, जाहिर सी बात है, जो कुछ नहीं करता है कुछ तो करता है, उन्हीं ने यही बोर्ड उठा लिया कि नाम बदल। नाम बदलने में कौन सा, नाम बदलने में कौन सा प्रॉफिट हो रहा है? नाम बदलने में सरकार का कितना रुपया खर्चा होगा? सरकार अगर यही नाम ना बदलकर वही शिक्षा, विकास, कोई हॉस्पिटल, कोई ये बनवाए, तो कम से कम गरीबों की मदद हो। उसको नाम बदलने में सरकार से क्या कौन सा फायदा मिल रहा है उसको? नहीं, जैसे देखा जाए, अभी मान लीजिए आपने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है, धरना दे रहे हैं, और अगर आपकी मांग यहाँ पे पूरी नहीं होती है, सरकार पूरी नहीं करती है, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि जो है इससे बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये मान लो जैसे कि हमारा ही परिवार है, हमारे परिवार है, हमारे जो है, हमारी परिवार है, हमारे जमीन है, हमारी जमीन पे कोई जबरन कब्जा करे तो क्या हम कब्जा करने देंगे? या आपकी जमीन पे कोई जबरन कब्जा करे उसको कब्जा करने देंगे? जैसे मान लीजिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार तो गवर्नमेंट तो योगी बाबा जी चल रही, और वो आपको लाठियां चला दे, जेल बंद कर दे, तब आप क्या करेंगे? वो सरकार की नीति है, लेकिन लाठियां चलाएगी तो किस वजह से चलाएगी? मैं किसी दूसरे के हक की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ ना, और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए लाठी खाना पड़े या जेल जाना पड़े, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं अगर अनलीगल लड़ाई लड़ रहा हूँ तो मुझे लाठी मारी जाए, मुझे जेल भेजा जाए, लेकिन अगर सत्य की लड़ाई लड़ने में कोई आपकी मांगे क्या है? जैसे कि आप जान रहे हैं, अभी कुछ कुछ षड्यंत्री के हिसाब से हमारी जो विरासत है, राजा लाठीवासी का विरासत है, वो ये RSS और BJP की जो गवर्नमेंट है उसको खत्म करने का काम कर रही है। अभी बहुत जल्द बुद्धा देवी पासी के पार्क के अभी किया गया है, लेकिन उनके पासी के नाम को हटाया गया। अभी हम देखते हैं कि सिविल हॉस्पिटल जो है स्वामी प्रसाद मुखर्जी के नाम से चल रहा है, आपका अमावस्या रोड चौधरी चरण सिंह के नाम से चल रहा है, लेकिन मैं पूछता हूँ जहाँ पे हमें स्वाभिमान और सम्मान की बात आती है, वहाँ हमारी चीज़ों को हटा के दिया जाता है। उसी इन्होंने कार्यक्रम में ये कर दिया है कि लखनऊ का नाम, जो एक उर्दू शब्द नहीं है, ये एक अवधी शब्द है, ये कोई बाहरी आक्रांता नहीं थे, ये यहाँ के मूल शासक थे। जो लोग कहते हैं मूल निवासी है, मैं कहता हूँ मूल निवासी नहीं है, आप मूल शासक है। आप उसके नाम को बदलने जा रहे हैं? राजरक्षक किसको कहा गया? इसी समाज के व्यक्ति को सुहेलदेव पासी कहा गया है, और आप उन्हीं के समाज के द्वारा जो लाखन पासी द्वारा लखनऊ को बसाया गया है, उनके नाम को बदलने के लिए जो षड्यंत्र हो रहा है, और उसको ना बदला जाए। और दूसरा, राजा लाखन पासी की लखनऊ में एक 20 फीट की भव्य मूर्ति लगवाई जाए, उसके लिए आज हमारे सारे समाजी संगठन भी आए हुए हैं, और सुहेलदेव आर्मी ने यहाँ पे धरना देने का काम। आप दे रहे हैं, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट आपकी बात नहीं सुन रही है, अगला कदम आप उठाओ? देखिए, यहाँ पे हमारा युवा वर्ग आया है और बुद्धिजीवी वर्ग भी आया है, दोनों वर्ग आया है, और आज हम लोग एक समीक्षा तैयार कर रहे हैं। आज ये एक सांकेतिक धरने के रूप में है, आज हम लोग यहाँ पे बैठ कर रणनीति को बनाएंगे, और इसके बाद यदि मौजूदा सरकार जो हुकूमत है नहीं चेतेगी तो हम लोग बड़े लेवल पे कार्यक्रम करेंगे, और लाखों की संख्या में पासी समाज, मारसा समाज इकट्ठा होने का काम करेगा, क्योंकि ये लड़ाकू कौम है,
मुगलों से अंग्रेजों से कभी इन्होंने अपने हथियार को निकाला, आगे भी डालने का काम नहीं करेगा। और मैं एक बात और बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से, कि यदि ये अपनी षड्यंत्रकारी नीतियों से बाज नहीं आए तो 35 साल जिस तरह इनका सुपड़ा साफ रहा है फिर से 35 साल सुपड़ा साफ हो जाएगा। और फांसी समाजी उत्तर प्रदेश में राजनीति किसकी रहेगी, किसकी हुकूमत रहेगी वो तय करता है और उत्तर प्रदेश की धरती से प्रधानमंत्री भी तय होता है। तो 2024 का चुनाव आपके सामने है, चुनौतियां बहुत हैं आपके सामने और आप समाज के नेतृत्व से पूरी तरह उतर चुके हैं। गार्डन में खड़े हुए हैं और योगेश जी से हमारी बातचीत हुई, योगेश जी ने बताया कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं, दो मांगे रखी गई हैं, एक तो आपके ये महाराज लाखन पासी जी की मूर्ति जो 20 फुट की, उन्होंने कहा है कि लखनऊ में बना के लगाई जाए, दूसरा लखनऊ का नाम चेंज ना किया जाए। इस पर हमने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर ये मांग हमारी प्रशासन नहीं सुनता है, सरकार नहीं सुनती है, तो अगला कदम मेरा इससे भी विकराल होगा, फिर हम कुछ भी हद तक कर सकते हैं और अपनी मांगों को पूरा जरूर करें। प्रहारी न्यूज से अनुभव।